हाई गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द टॉरस साइन, यानी कि वृश्चिक राशि के लिए, और देखेंगे कि आने वाला ये हफ्ता कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। इट्स अ जनरल रीडिंग, मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरी वन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिए, एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे फॉर ऑल द वीकली एंड ऑल अदर रीडिंग्स। और इफ़ यू वॉन्ट अ पर्सनल रीडिंग, सो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। पहले हम आपकी लव लाइफ की बात करेंगे फॉर ऑल द टॉरस पीपल, क्या चल रहा है। टॉरस पीपल, मेरे माइंड में एक बड़ी ही प्यारी गज़ल आ रही है, सो मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप प्लीज़ उसे जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। हो सकता है कि उसमें आपके लिए कुछ हो, और भी हो सकता है, यू विल लाइक इट। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तो जगजीत सिंह जी की गज़ल है, बड़ी ही प्यारी गज़ल है। आई एम इज फैन टोटली, और मेरा एक ड्रीम है कि, या ड्रीम कह लीजिए था, बिकॉज जगजीत सिंह जी इज़ नो मोर। तो और मेरा मेरा मन था, मेरा ड्रीम था कि अगर वो आज होते और मुझे उनकी लाइव गज़ल परफॉर्मेंस देखने को मिलती, सुनने को मिलती, और मैं बैठ के आराम से वो मेरे सामने गा रहे होते और मैं सुन रही होती, ओ माई गॉड, मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इट्स लाइक अ ड्रीम फॉर मी। और मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, उनकी बहुत गज़ल सुनती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। पहले हम आपके लव लाइफ की बात करेंगे फॉर ऑल द टॉरस पीपल, क्या चल रहा है। ओके टॉरस पीपल, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके क्लोज्ड ऑफ है, मे बी हो सकता है आपने अपने इमोशंस को, जिसे कहते हैं ना, बंद कर लिया, अपने आपके अपने हार्ट को, अपने हार्ट चक्र को क्लोज कर लिया बिल्कुल, एंड यू आर नॉट डीलिंग विद दैट पर्सन, राइट। और यू आर टेकिंग टाइम, और आप गहन चिंतन सोच में, आपस आप यू आर जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल अपने अंदर चले गए हैं आपको, आप कुछ नहीं सोच रहे हैं, एंड आपने अपने आप को क्लोज ऑफ कर लिया है। मे बी हो सकता है कि समथिंग मे बी हो सकता है कि आप लोगों, देखिए दो बातें हैं, मे बी हो सकता है यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम योर पर्सन, दो चीज़ें हैं, मे बी यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम योर पर्सन, और मे बी यू आर फीलिंग बीच बीच में यू आर ऑब्सेसिवली थिंक अबाउट देम, यू थिंक अबाउट ऑब्सेसिवली अबाउट योर पर्सन, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। ऑन द अदर हैंड आपके जो पर्सन है दे आर, दे वॉन्ट इक्वल गिव एंड टेक इन दिस रिलेशनशिप, दे थिंक अबाउट यू, यस दे थिंक अबाउट यू, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बिकॉज दे हैव फीलिंग्स फॉर यू एंड दे वॉन्ट इक्वल गिव एंड टेक इन दिस रिलेशनशिप, वो चाहते हैं समथिंग इन द प्रॉपर वे, मे बी हो सकता है, और मे बी हो सकता है दे वॉन्ट थिंग्स टू बी कि इक्वली डन फ्रॉम बोथ साइड्स, और मे बी हो सकता है कि मैसेज का वेट कर रहे हैं, कॉल का वेट कर रहे हैं, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू बट रिजिस्ट कर रहे हैं, मे बी हो सकता है, राइट। और मे बी दे वॉन्ट यू टू रीच आउट, आप लोगों के बीच में जो भी बातें हुई है या नहीं हो रही है, या बहुत कम बात हो रही है, कुछ भी चल रहा है, राइट। और दे सी this beautiful family with you, with the 10 of cups, it's
दे इमेजिन दिस विद यू, दे फील दैट वे, दे थिंक दैट वे कि येस, कभी कभी जब जब दे थिंक तो उनको लगता है कि येस देयर इज पॉसिबिलिटी, सच अ ब्यूटिफुल कार्ड, टेन ऑफ कप्स, इट्स लाइक विश फुलफिलमेंट, इट्स लाइक कंप्लीटिंग ईच अदर और विद लाइक इमेजिनिंग अ फैमिली विद यू, टेन इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, राइट? तो वो ऐसा सोचते हैं. नाउ मे बी हो सकता है आप दोनों ही दूसरे के ऊपर स्पाई कर रहे हैं, बट यू आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर. मे बी समथिंग, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा रीडिंग में, कि मे बी यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम देम, और मे बी देर इज समथिंग टॉक्सिक यू आर नॉट टेलिंग देम, और मे बी हो सकता है देर इज समथिंग, और मे बी हो सकता है कि आप ऑब्सेसिवली कुछ सोचते हैं उनके बारे में, राइट? नाउ नियर फ्यूचर आप कार्ड्स देखिए. We have Knight of Cups, we have Eight of Swords, and then we have Four of Wands. देखिए आप खुद देख लीजिए, this is like कोई आगे बढ़ना चाहता है, right? But this is keeping you both. ये in, this is in between. And then this is a marriage card with the Four of Wands, peace and harmony, togetherness. And with a Knight of Cups, it's like victory, success, moving ahead, right? And with this, ये जो अपने आप को जो resist कर रहे हैं, hold on कर रहे हैं, इस चीज़ में से आप ही अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, right? Maybe हो सकता है you are keeping yourself away, or maybe this person is keeping themselves away from you. कुछ है आप दोनों के बीच में जो कोई resist कर रहा है. So ये जो चीज़ें हैं ये आपको sort out करनी है, because this जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, this relationship has, maybe हो सकता है a long distance relationship हो, maybe this relationship has a potential, but some things are keeping like you away from each other, maybe हो सकता है. Let's pull some card for guidance की angels हमें क्या guide करना चाहते हैं. Yes, again we have 10 of cups. Can you believe that? मैंने आपके सामने shuffle की है 10 of cups. It's like completion. Again we have 10, 10 and 10. So maybe हो सकता है कि आप synchronicity देखते हो, maybe हो सकता है कुछ आप सोचते हो एक दूसरे के बारे में और complete एक दूसरे को like complete करते हैं आप, या ऐसा सोचते हैं, right? So it's about creating peace and harmony with each other. You think a lot of each other. It's about, देखिए three cards, let me show you. And we have all सारे कार्ड्स, इट्स लाइक ब्लू, आप देख सकते हैं क्लियर स्काई, ब्लू ऑल लाइक स्काई. स्काई इज अ लिमिट फॉर बोथ ऑफ यू. मे बी हो सकता है, मे बी हो सकता है इसमें कुछ मैसेज है फ्रॉम द डिवाइन दैट यू हैव लाइक आप दोनों के सेम गोल्स है लाइफ में. मे बी हो सकता है यू कैन रीच दैट आउट. मे बी समबडी इज रिजिस्टिंग. मे बी हो सकता है यू वॉन्ट टू लाइक ट्रस्ट द डिवाइन, यू नीड टू सरेंडर आप दोनों के लिए, या for all the Taurus people जो इसको देख रहे हैं. You think about each other. With the six of cups, it's like nostalgia, missing each other, right? और मे बी हो सकता है बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बारे में डे ड्रीमिंग करते हैं. देन इट्स लाइक 10 ऑफ कप्स अगेन. मे बी हो सकता है कि वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, राइट? सो मे बी हो सकता है बहुत ज़्यादा एयर एलिमेंट देखें आप, पीछे स्काई है क्लियर. सो यू नीड टू ट्रस्ट, यू नीड टू सरेंडर, यू आर लाइक, बहुत ज़्यादा मुझे पोटेंशियल दिखाई देता है, बट मे बी somebody इज रिजिस्टिंग, मे बी somebody इज लाइक क्लोज ऑफ. मे बी हो सकता है कि यू नीड टू ब्रिंग आउट दैट थिंग. देख सकते हैं आप इसमें भी दो फिशेज हैं, और वो देयर इज समथिंग, मे बी स्पिरिचुअल, मे बी समथिंग स्पिरिचुअल, और जो आप दोनों शायद नहीं देख पा रहे हैं द रिलेशनशिप, राइट? सो चलिए बात करते हैं आपके करियर की. फॉर ऑल द टॉरस पीपल, करियर वाइज आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा? देखते हैं कि करियर वाइज आपके लिए आने वाला ये वीक कैसा रहेगा. ओके, एक्सक्यूज मी. मे बी हो सकता है आप किसी चीज को लेके बर्डन है, वेट कर रहे हैं किसी चीज का. ओके, यस, समथिंग न्यू. मे बी हो सकता है कुछ, देर इज एनर्जी ऑफ रिफ्यूजल. देखिए बेस ऑफ द डेक एस ऑफ सोर्ड्स,
फ्रॉम फ्यू ऑफ द रीडिंग्स आप जब भी ये देखते होंगे टॉरस पीपल, आपकी जो रीडिंग में ये एस ऑफ सोच जरूर आता है, दैट मीन्स यू आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल, और आगे भी आप यू आर लाइक यू विल बी कंटिन्यूइंग दैट, और समथिंग न्यू विद द एस ऑफ कप्स में भी हो सकता है यू आर वेटिंग. बट मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि दैट यू आर लाइक, जैसे कहते हैं ना, आपको हेल्प मिल रही है, आपको सपोर्ट मिल रही है, बट कहीं आप कुछ इग्नोर कर रहे हैं, आई डोंट नो वॉट, बट यू आर मूविंग अहेड, यू आर लाइक फोकस्ड, यू आर डिटरमाइंड. कोई है, कुछ है ऑफर जो मे बी हो सकता है यू आर रिफ्यूजिंग और यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट, और मे बी हो सकता है समथिंग इज देयर, या मे बी हो सकता है कि कुछ आप देख नहीं रहे हैं, या मे बी हो सकता है आप अभी यू आर नॉट लाइक टेकिंग इट. ओके, देयर इज सम ऑफर, और मे बी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है. मे बी हो सकता है कि कहीं आप किसी गलत चीज़ में इन्वेस्ट ना कर दें, बिकॉज विद द फाइव ऑफ पेंटिकल्स मे बी हो सकता है देयर इज सम ऑफर, बट मे बी हो सकता है कि आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको हो सकता है कि कहीं इसमें नुकसान ना हो जाए, राइट. विद द फाइव ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि यू हैव बीन थ्रू, या कुछ है जो आपको लाइक फंस सकते हैं आप किसी चीज़ में, राइट, मतलब किसी चीज़ में उलझ सकते हैं, और मे बी हो सकता है तो उससे बच के रहिएगा. मे बी हो सकता है कि कहीं आपको लाइक हो सकता है कि कोई आपको अप्रोच करना चाहे, या हो सकता है कोई आपको लाइक आपकी तरफ आना चाहे विद सम ऑफर और मे बी दैट थिंग. सो उस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहिएगा कि कहीं आपको उसमें नुकसान ना हो जाए. लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस फॉर ऑल द टॉरस पीपल. Two of Wands. Yes, you have endless possibilities. अपना काम करते जाइए, focus रखिए. Victory is all yours. Success is all yours. You will be refusing something. I don't know what is it about. Maybe an offer or maybe कोई plan है, कुछ है. So you need to see that. ओके, मे बी हो सकता है कि यू आर टॉर्न बिटवीन टू चॉइसेस. मे बी हो सकता है देन वी हैव सेलिब्रेशन एंड देन वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स. देखिए, थ्रू थ्री ऑफ कप्स, कुछ ना कुछ यू विल बी सेलिब्रेटिंग अबाउट समथिंग, और मे बी कोई ऑफिस पार्टी या कुछ, या मे बी कुछ भी हो सकता है. यू विल बी सेलिब्रेटिंग योर विक्ट्री और सक्सेस, कुछ भी है, राइट. टू ऑफ वॉन्ड्स, मे बी यू आर बिगनिंग, यू आर ट्रैवलिंग, यू आर लाइक मूविंग, गोइंग टू प्लेसेस, और मे बी हो सकता है कि यू आर लाइक डूइंग गुड, राइट. और नाउ द थिंग इज, मे भी हो सकता है आपको चूज करना है बिटवीन टू प्लेसेस, टू चॉइसेस. कुछ हैं जो आप अभी इग्नोर कर रहे हैं. मे भी हो सकता है दिस इज अबाउट लाइक यू हैव, आपको एक चीज लेट गो करनी है. यू आर टॉर्न बिटवीन टू चॉइसेस इन योर करियर ऑल्सो. मे भी हो सकता है कि जॉब फ्रंट पे, या मे बी समथिंग इज देयर, यू आर टॉर्न बिटवीन चॉइसेस. सो आपको कुछ लेट गो करना है, सो दैट कुछ आपको क्लैरिटी मिल सके. देखिए, बादल है, राइट, दे पीछे क्लियर स्काई है. अगेन, बहुत ज़्यादा स्काई एलिमेंट मुझे ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, एयर एलिमेंट. सो कुछ ना कुछ है रिलेटेड टू. मे बी हो सकता है कि यू नीड टू ट्रैवल सम प्लेस, और मे बी समथिंग यू आर अनडिसाइडेड, आई डोंट नो वॉट. ठीक है, मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या चल रहा है. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल यू पीपल. अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट करना मत भूलिए. थैंक यू सो मच.